नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आरनी मित्रा सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पासवर्ड साइज के फोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। सारा का सारा मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, जिससे आप भी पासवर्ड साइज के फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर पाओगे। आपको कोई भी एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं, आप ऑनलाइन ही फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर पाओगे। तो पूरा का पूरा आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो उसके लिए बंसुड़ो के साथ, उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सिर के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इस प्रकार से आपके पास अगर पासवर्ड साइज का फोटो इस तरीके से, अगर आपका भी और बैकग्राउंड इस तरीके से आपको सो रहा, मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके से अगर बैकग्राउंड है और आप इसको चेंज करना चाहते हैं जैसे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा फोटो, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके फोटो का पर किसी भी पर कस्टमर का फोटो और उसका बैकग्राउंड जैसे अलग तरीके का या अलग कलर का यहाँ पर है आपको देखने को मिला। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, दूसरा बैकग्राउंड आप लगा सकते हो। तो पूरा का पूरा आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो उसके लिए आपको करना क्या, आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना। यहाँ पर ब्राउजर ओपन करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर आपको सर्च बार में आपको टाइप कर देना रिमूव बैकग्राउंड। इस तरीके से आपको सर्च बार में आपको टाइप कर देना रिमूव बैकग्राउंड। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर सर्च बार में लिखा, इस तरीके से आपको लिख देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा www.remove.bg। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। तो करना क्या, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से आपको डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा और आपका पर देखने को मिलेगा अपलोड इमेज। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर भी आपने फोटो रख रखा, सिंपली आपको चूज आपको कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर ये फोटो यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। जैसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको चेंज करके आपको बताता हूँ। सिंपली इस तरीके से आपको चूज आपको कर लेना। इस तरीके से आपको सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा आपको वेट करना, अपलोडिंग होने में यहाँ पर टाइम लगेगा। तो वेट करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर एडिट का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए कलर का, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कलर का। यहाँ पर देख लीजिए, तो सिंपली कलर पर आपको क्लिक कर देना। कलर पर क्लिक करने के बाद में आप जो चाहे आप यहाँ पर मनचाहे यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पर रेड लगा रहा हो तो इस तरीके से लगा सकते हो, या फिर इस तरीके से आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर इस तरीके से कलर आप लगा सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर लगाना, आप यहाँ पर कलर लगा सकते हो, आपको कोई भी समस्या नहीं। जैसे मैं कलर लगा के आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट आपको कर लेना जो भी आपको कलर लगाना हो। उसके बाद में आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन, तो आपको करना क्या, सिंपली डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पर आप इसको चाहो तो भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो, चाहो तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे डाउनलोड इमेज पर आपको क्लिक कर देना, तो यहाँ पर ये फोटो यहाँ पर इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर डाउनलोड पर अपन चलते हैं और यहाँ पर इस तरीके से ये फोटो यहाँ पर देख लिया डाउनलोड हो चुका पूरी तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से आपको ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये फोटो का यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको दूसरा फोटो सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से जैसे दूसरा फोटो अपन यहाँ पर ले लेते हैं जिसका यहाँ पर बैकग्राउंड पहले से है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके लिए आपको करना क्या, वापस यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर ऑलरेडी इसमें यहाँ पर बैकग्राउंड था, तो इसको अपन को हटाना और दूसरा पर बैकग्राउंड चेंज करना। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको एडिट पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कलर पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ से आप जो चाहे आप जैसे यहाँ पर व्हाइट कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर ब्लू कर सकते हो, यहाँ पर जो भी आपको चाहे, यहाँ पर बैंगनी जो भी आपको कलर करना है, यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन जो आपको कलर चाहिए वो आप इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर ये भी फोटो यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो चुका है, यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। तो आप इस तरीके से यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। सारा का सारा मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया, पूरा का पूरा आपको अच्छे से आपको समझा दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को। धन्यवाद।